सीएए को लेकर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर मान ग्रुप की तरफ से दी गई बंद की कॉल को बटाला में समर्थन मिलता दिखाई नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर इस बंद को ध्यान में रखते हुए बटाला पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी के कारण पूरे इलाके में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तमाम बाजार और शिक्षा के अदारे खुले दिखाई दिए और आम जनजीवन सामान्य चलता दिखाई दिया। वहीं आम जनता और कारोबारियों का कहना था कि ऐसे बंद का राजनीतिक लोगों के सिवाय आम जनता को कोई फायदा नहीं होता। कारोबार पहले से ही ठप है और अगर ऐसे ही बंद किए गए तो देश के साथ कारोबारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कल सर आडे बटाले दे विच ते कोई एडा असर नहीं देखने मिल रहा, सारा बाजार खुला आया वा, भाई रोजाना की तरह अपनी दुकान खोली है। वैसे भी बंद का असर सर लीडर ज्यादा लोगों को परेशान करके आता वा, हाँ बंद ना की लेना देना, अभी भी यो जो काम करा वह रात में जाके खावे। जेडे साढ़े को मुलाजम आ रहे हैं अगर वो दुकाना बंद रखा तो वह की लैके जाएंगे, वो बंद हो गया तो वह भी बेचारे रोटी तो उधर हो गए। इस करके सानू बंद ना कोई यहोजा सरोकार नहीं, साडा तो काम ना काज ना काम है कि अपना काम करिए तो बड़ा वधिया रूटीन ना चल रहा। इतने बटाला तो कोई यहोजा बंद वाला नहीं देख रहा, हड़ताल का कोई असर नहीं है, कारोबार रेगुलर चल रहे थे, कारोबार अगर स्लंप ज है कोई भी दुकानदार इस मसले से हड़ताल करने के मसले से सहमत नहीं है। तो नजायज़ डिमांडा तो बाद कोई इन्हों सहमति नहीं है, इसलिए कारोबार रूटीन वर्क हो रहा। हड़ताल जी इतने तो है नाकामयाबी है क्योंकि समा जो चलता पाया भी बहुत बिजनेस का माड़ा हाल है, तो लोग नहीं चाहते भी अं रोज़ रोज़ दुकाना बंद करिए। तो इतने जो बटाले च मैं सिनेमा रोड तो बोलना, इतने सारे दुकाना खुलिया ने, तकरीबन ट्रैफिक चल रहा रूटीन वाइज, स्कूल भी तकरीबन खुले ने, हड़ताल कामयाब नहीं है। ठीक है, बटाला से जसविंदर बेदी के साथ ममता कुमारी की रिपोर्ट।